आपका सवाल नंबर एक है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? अ 7 दिसंबर 1947, बी 10 मार्च 1948, सी 7 जनवरी 1947, डी 19 दिसंबर 1948। आपका सही जवाब है अ 7 दिसंबर 1947। हेलो दोस्तों, आपने देख लिया होगा पीछे जो वीडियो। अगर आपने देख लिया है और आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप ये समझिए कि अब आपको यहाँ से सीख के ही जाना है। सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा एंड बताऊंगा, बहुत ही बारीकी से आपको समझाऊंगा किस प्रकार से आपको आवाज़ लगानी है, किस प्रकार से आपको एडिट करना है, A to Z सारे प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, मैं इतनी आसानी से आपको समझाऊँगा कि आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा और आप अच्छा एक चैनल अपना क्रिएट कर पाएंगे और आगे उसमें आप अच्छा काम कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन आंसर कहाँ से लेने हैं, क्या करना है, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं BRGK स्टडी चैनल है और इसके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार के चैनल बना के यहाँ पे इस चैनल से लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। तो आप ये मत समझिए एजुकेशन चैनल पे बहुत पैसा है और वहाँ पे ना आपको कैमरा चाहिए, ना कोई माइक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप बोल भी नहीं सकते तो वो भी आपको नहीं बोलना है, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा किस प्रकार से आपको कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस लगानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो प्ले करके मैं पहले आपको दिखाई दे रहा हूँ। बी कबूतर को आपका चौथा सवाल है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? आपका ऑप्शन, तो ये सब सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं क्रोम ब्राउजर में और वहाँ पे पहले लेते हैं क्वेश्चन। क्रोम ब्राउजर पर आपको आना है और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है GK क्वेश्चन आंसर हिंदी, और जो फर्स्ट में ये लिंक जनरेट हो रही है आपको इसी में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस शो होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं। और आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी GK के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। India GK, World GK, GK क्विज, Biology GK, Science GK, Physics GK, Chemistry GK, मतलब बहुत सारी यहाँ पे हर प्रकार की आपको GK मिल जाएंगी। तो मैं इन्हीं में से कोई अगर आपको जो भी चाहिए आप यहाँ नीचे से ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे करंट अफेयर GK 2018 में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा वर्ष 2018 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। और यहाँ पे आपको सो आंसर पे क्लिक करना, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा चित्रा मुद्गल, मतलब D इसका आंसर सही है और आपको यहाँ पे आंसर भी मिल जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, इसको कर लेना है यहाँ से कॉपी, और इसको कॉपी करने के बाद में हमको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, नोट्स, तो आपके मोबाइल में होता ही है, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलते हैं नोट्स ऐप पे। नोट्स ऐप पर आपको आना है एंड यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर पहले कुछ चीज़ें लिखनी है जो आपको यहाँ पर वहाँ पर वो आवाज़ देता है। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है आपका सवाल नंबर एक है, ये लिख देना है एंड यहाँ पर आपको लिख देना है आपके ऑप्शन है, ये आपको लिख देना है। और इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक करके इसको नीचे ले आना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको आना है आपका, यहाँ पे लिख देना है सही जवाब है और इसको ऐसे नीचे कर देना है। और यहाँ पर आपको जो सही जवाब है इसका, ये सो आंसर को आपको यहाँ से डिलीट करना है एंड इसका जो सही जवाब था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पे ये सही जवाब इसका D था, तो वहाँ यहाँ से हम इसका D लेंगे और D को हम यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आकर हम नीचे कर देंगे इसको पेस्ट। इस प्रकार से ये बन गया और इसको जो है फिर से हमको यहाँ से कर लेना है कॉपी। और उस ऐप का मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ नाम जहाँ से आपको ये वॉइस लेनी है। तो मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ से आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है नरेटर ऐप।
अगर आपका उसका पूरा रिव्यू चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, तो आप प्ले स्टोर से जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब चलते हैं नरेटर ऐप में। नरेटर ऐप का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे आपको जो कॉपी किया है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। एंड करेंगे क्रिएट पे क्लिक। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे प्ले पे क्लिक हमें कर देना है। तो देखते हैं इसकी वॉइस ये जनरेट करके देगा। आपका सवाल नंबर एक है, वर्ष 2018 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। आपके ऑप्शन है अ श्री सनत तांति, बी श्री इंद्रजीत केसर, सी श्री परेश नरेंद्र कामत, डी चित्रा मुद्गल। आपका सही जवाब है डी चित्रा मुद्गल। आपने सुन लिया होगा ये कितने अच्छे तरीके से बन गया है। अब इसको हमें करना है सेव, तो यहाँ से जाएंगे और सेव ऑन डिवाइस इसको हमें कर देना है और यहाँ पे सेव कर देना है। मैं आपको एक एक जो है बता रहा हूँ, आप जितने चाहें यहाँ पर। आपके सारे वीडियो इसी प्रकार से बन जाएंगे। ऐड आने की वजह से मैंने वीडियो कर दिया था स्किप, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने उसको सेव कर लिया है। अब चलते हैं काइन मास्टर में। एंड मैं वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़रा भी स्किप न करें, नहीं तो आप कोई भी स्टेप छोड़ देंगे तो आप बना नहीं पाएंगे। तो आप वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें अगर आप एजुकेशन चैनल बनाना चाहते हो। तो चलिए चलते हैं काइन मास्टर में। तो मैं काइन मास्टर पर आ गया हूँ। यहाँ से लेंगे न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपने काइन मास्टर कभी यूज नहीं किया तब भी मैं आपको सिखा दूँगा, तो आप परेशान मत होइए। काइन मास्टर में आने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है एंड इमेज असिस्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको लेना है बैकग्राउंड वाइट, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड में ही ये बनता है। और इसको ऐसे पकड़ के हमको लेना है थोड़ा सा खींच, इस प्रकार से हमको इसको खींच लेना है। और यहाँ से खींचने के बाद में मैं आपको आगे का स्टेप बताने वाला हूँ। इतना करने के बाद में आपको वो सारे टेस्ट नहीं लेने हैं, अब आपको स्टेप बाय स्टेप टेस्ट लेने हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे वहाँ से क्वेश्चन, तो चलते हैं वहाँ से लेते हैं पहले हम क्वेश्चन। नोट्स में आने के बाद हम यहाँ से पहले क्वेश्चन लेंगे। वर्ष 2018 ये जो लिखा है हमको पहले इसको ही ले लेना है, इस प्रकार से हमको इसको ले लेना है एंड कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में फिर चलते हैं काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद में इसको हमें यहाँ पर कर देना है टेस्ट में जाके इस प्रकार से पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद में देखिए ये कुछ बन गया है। इसका कलर चेंज कर देते हैं तो ये दिखने लगेगा, इस प्रकार से इसका कलर कर देना है चेंज। और इसको कर देना है छोटा, इस प्रकार से कर देना है। और अब हमको लेनी है अपनी वो आइडियो जो आइडियो हमने बनाई है, ताकि हमको समझ में आए कि अब आगे हमें क्या करना है। तो हमको यहाँ से जाना है और अपनी वो आइडियो ले लेनी है। देख सकते हैं हमने वो वॉइस ले लिया है, और इसके बाद में हम उस वॉइस को पहले सुन लेते हैं। आपका सवाल नंबर एक है, वर्ष 2018 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। बस इतना यहाँ से सुन लिया और इसको हमें यहाँ तक ले आना है। यहाँ तक हमने सुना सम्मानित किए गए हैं, ओके यहाँ तक ले आए। और यहाँ से हमको ये ऑप्शन देने हैं, तो फिर हमें नोट्स पे जाना है और वो ऑप्शन हमको वहाँ से उठा लेने हैं। तो चलिए नोट्स पे चलते हैं। नोट्स में आने के बाद में हमको ये सारे ऑप्शन यहाँ से कर लेने हैं कॉपी, कुछ इस प्रकार से हम इनको करेंगे कॉपी। यहाँ तक डी तक हमको कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद में हमको फिर काइन मास्टर में जाके टेस्ट में जाके पेस्ट करना। तो चलिए करते हैं। तो हम फिर काइन मास्टर में आ गए एंड यहाँ लेयर पे जाके टेस्ट पे जाना है, और इसको यहाँ पे हमको कर देना है पेस्ट। तो चलिए इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ से इसको ऐसे जाके थोड़ा सा खिसका के इतना बड़ा कर देंगे, और इसका हम कलर कर देंगे ब्लैक। और ब्लैक करने के बाद में आउटलाइन में जाके हमको थोड़ा सा इसका कलर और ब्लैक वो करना है, तो इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये हो गया। इसको और यहाँ से ले आएंगे। इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसको प्ले करना है फिर से आपका सवाल नंबर, और यहाँ से इसको ले जाके हमें जहाँ से इसका ऑप्शन आया है यहाँ तक इसको हमें ले जाना है। और यहाँ तक लाने के बाद में हमको इसको इस प्रकार से क्लिक करके ट्रिम लेफ्ट कर देना है।
तो आप देखेंगे, देखिएगा पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। आपके ऑप्शन है, देखिए इस प्रकार से आ रहा है। अब जैसे सवाल भी हमको लेना है तो इसको इस प्रकार से खींच देना है ताकि ये सवाल और क्वेश्चन दोनों कुछ इस प्रकार से आ जाएं। चलिए फिर देखते हैं प्ले करके। आपके ऑप्शन है श्री सनत कांति, बी श्री इंद्रजीत केसर, सी श्री परेश नरेंद्र कामत, डी चित्रा मुद्गल। आपका सही जवाब है डी चित्रा मुद्गल। अब यहाँ से उसने कहा आपका सही जवाब है डी चित्रा मुद्गल, तो यहाँ से हमको इसको इस प्रकार से कॉपी कर लेना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कॉपी कैसे करना है। तो यहाँ पे आना है और इसको कॉपी करने के लिए यहाँ से भी ये कॉपी हो सकता है, लेकिन अगर आपको यहाँ से कॉपी नहीं करना तो आपको नोट्स में जाके कॉपी कर लेना। तो चलिए नोट्स से इसको हम कॉपी करते हैं। यहाँ से इसको हमें कॉपी कर लेना है, तो इस प्रकार से हमें इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी और फटाफट से वहीं पे जाके कर देते हैं पेस्ट। तो चलिए, तो यहाँ पे हम फिर आ गए हैं। अगर हम चाहते तो इसको यहाँ से क्लिक करके भी एडिट में जाके इसको हम कॉपी कर सकते थे, लेकिन अब वहाँ से भी हमने कॉपी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे टेस्ट पे आना है एंड यहाँ पे हमें उसको पेस्ट करना है एंड ओके कर देना है और इसको इस प्रकार से ला के यहाँ पर बड़ा कर देना है और इसका हमें कलर ले लेना है। इस प्रकार से जाना है, इसका कलर लेना है हरा और ओके कर देना है और इस पर क्लिक करके हमको इसका एनिमेशन भी कर देना है। फ्रेंड्स थोड़ा सा लुक भी अच्छा लगना चाहिए, तो यहाँ पे हमने इसका एनिमेशन कर दिया साइड राइट और इसका एनिमेशन कर दिया, इसका एनिमेशन कर देंगे हम साइड डाउन, तो ये नीचे आएगा एंड ये साइड राइट जाएगा और इसका एनिमेशन हम कर देंगे साइड अप, तो ये ऊपर की ओर जाएगा। अब इसको हम प्ले करके थोड़ा सा देखेंगे किस प्रकार से ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कुछ इस प्रकार से हम इसको बराबर पहले कर लेंगे और इसके बाद में चलिए प्ले करके देखते हैं। आपका सवाल नंबर एक है वर्ष 2018 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। आपके ऑप्शन है श्री सनत कांति, बी श्री इंद्रजीत केसर, सी श्री परेश नरेंद्र कामत, डी चित्रा मुद्गल। आपका सही जवाब है डी चित्रा मुद्गल। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से ये बन गया है और इसी प्रकार से जिस स्टेप में मैंने आपको बताया है इस स्टेप में आप एक नहीं जाने कितने क्वेश्चन फिल कर सकते हैं और आपको उसमें कोई बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और आप आसानी से बना लेंगे। टॉपिक भी आपको मिल जाएगा और आपको इसमें कोई डेली का सोचने का भी ये दिक्कत नहीं है कि आपको क्या ट्रेंड चाहिए क्या बनाना है। और ये क्वेश्चन आंसर ऐसी चीज़ है कि लाइफ टाइम चलते हैं, 2018 को हों 2015 के कोई भी हों जीके क्वेश्चन आंसर वही रहते हैं, कभी नहीं बदलते। तो आप जीके का चैनल बना सकते हैं, मैंने आपको आइडिया बता दिया किस प्रकार से आपको बनाना है एंड किस प्रकार से क्रिएट करना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कोई भी आपके डाउट एंड कोई भी कमेंट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, उसका सलूशन मैं आपको ज़रूर अगली वीडियो में दूंगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई, कहीं भी कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट मुझे ज़रूर कर दें, मैं अगले वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।